السلام علیکم، آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم پہ اپنا فضل و کرم بنائے رکھے اور اس مشکل گھڑی کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے. دنیا اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے بہت پریشان ہے. آج میں آپ کو وزٹ کرواتی ہوں اپنے علاقے کا، یہاں کی سچویشن دکھاتی ہوں. میں اٹلی میں رہتی ہوں، یہاں کے حالات تو بہت ہی برے ہیں، لیکن اپنے علاقے کا میں آپ کو وزٹ کرواتی ہوں، یہاں کیا سچویشن چل رہی ہے. یہ دیکھیں، یہاں پہ یہ ہسپیٹل تھا چھوٹا سا ہڈیوں کا، جو تقریباً 20 فروری کے بعد یہاں پہ جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند پڑے ہیں. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، نہ یہاں پہ ڈاکٹر آتے ہیں نہ پیشنٹ. اور ये मेरा जो है लैंग्वेज वाला स्कूल है, यहाँ पे मैं आती थी लैंग्वेज का कोर्स करने के लिए, तो ये भी तकरीबन 2 माह से बंद है. यहाँ का मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत हो रहा है, क्योंकि ये तो बहार का मौसम है, खुशियों का, फूलों का, रंगों का. यहाँ के सारा ही इलाका बहुत खूबसूरत हो रहा है, सारे ग्रीन इलाका हो चुका है, फूल निकले हुए हैं. लेकिन इंसानों की चहल पहल जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इंसानी ज़िंदगी है जो वो जाम हो चुकी है. ये देखें, ये गली के मंजर है, यहाँ पे कोई शख्स आपको नज़र नहीं आएगा. ये बाहर बैठने की जगह है, ये बेंच खाली वीरान पड़े हैं, बच्चों के झूले, ये सारा इलाका उजड़ा हुआ महसूस होता है. ऐसे लगता है कि यहाँ से जो इंसानी ज़िंदगी है वो ख़त्म हो चुकी है. लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद है कि वो दोबारा इन्हीं रंगों को फिर रंगों से भरेगा, ज़िंदगी को शानदार फिर बनाएगा. यहाँ पे जो बिल्डिंग है, इनके बाहर ये लिखी हुई जो हेडलाइन आपको नज़र आ रही है, अंदरा तुतो बेने, इसका मतलब है जैसे हम किसी को दुआ देते हैं कि इंशाल्लाह सब बेहतर होगा या सब ठीक हो जाएगा, तो ये एक दुआ लिखी है, ये हर बिल्डिंग के बाहर लिखी हुई है. और ये बिल्डिंग वाले, घर में रहने वाले ही लोग लिखते हैं कि दूसरों को भी दुआएं देना या उनके लिए दुआ करना, मुस्तकबिल के लिए दुआ करना है. तो इंशाल्लाह हमें भी अपने अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए. ये हमारे घर के पास ही जो है वो एक जिलातेरिया यानी कि आइसक्रीम हट है, और यहाँ पे आइसक्रीम पॉइंट था. यहाँ पे शाम को या स्कूल से आते हुए बच्चे बहुत इंजॉय करते थे, साथ ही पार्क है, साथ आइसक्रीम लेते थे. बहुत सी फैमिलियाँ यहाँ पे अपना टाइम पास करती थी. साथ ये एक पार्किंग है जो गाड़ियों की, जो बिल्कुल खाली है, क्योंकि यहाँ पे तो जो काम करने वाले दूसरे इलाकों से, दूसरी जगहों से आते थे, वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते थे या पार्क में जाते थे. तो यहाँ पे बिल्कुल ही खाली है, क्योंकि हर इंसान घर में बंद होके रह गया है. ये बहुत खूबसूरत पार्क और बहुत प्यारा लगता था, बच्चों की चहल पहल थी, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल ही बंद हो चुका है. और हुकूमत ने इनको बिल्कुल बैन किया है, ये रिबन से बांध दिया है कि इनको यूज़ ना किया जाए, यहाँ पे ना आए बच्चे. जो बच्चे या फैमिलीज आएंगी तो उन पे ये जुर्माना आयद करते हैं. इसमें तो हम लोगों की अपनी ही बेहतरी के लिए किया जाता है, ये हुकूमत की तरफ से जो इकदाम हैं, जो जुर्माना है वो हमारी बेहतरी के लिए है. ये बसें जो चल रही हैं बिल्कुल खाली, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं. कोई बाहर से मजबूरी कोई निकलता है तो जाता आता है, लेकिन ज़िंदगी बिल्कुल यहाँ पे जो है वो
रुक चुकी है काफी, जो है हालात यहाँ के आप सुनते ही होंगे खबरों में, खराब है। ये जो है ये बहुत एजेड लोगों के घर है, और यहाँ से मैं अक्सर गुजरती थी बच्चों को स्कूल लेने के लिए, तो यहाँ पे बुजुर्ग मिलते थे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मुस्कुराते हुए। अपने घरों में वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, अक्सरियत उनकी डेथ हो चुकी है। तो अल्लाह पाक हम सब पे, सब इंसानों पे अपना करम करे, अपना फजल करे, और ज़िंदगी को दोबारा रवां दवां हो जाए, सब अच्छे से दोबारा ज़िंदगी अपनी शुरू करें अपने अपने। यहाँ के जो बुज़ुर्ग थे वो अपने घरों की, उनकी एक हॉबी थी कि वो पौधों के साथ लगे रहते थे। यहाँ फैमिली सिस्टम तो नहीं होते हैं, अकेले अकेले अक्सरियत में होते हैं, तो वो इन जगहों पे अक्सर इकट्ठे होके अपने दोस्तों के साथ, इन पौधों के साथ टाइम पास करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और ये है एक कुनार, छोटी सी मिनी मार्केट है, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लेने के लिए आई थी, तो साथ ही आपको इसका भी विज़िट करवाती हूँ बाहर से ही, कि ये देखें जो यहाँ पे लोग लेने के लिए आए हैं चीज़ें हैं वो कितने, एक तकरीबन 1 मीटर 1.5 मीटर के फासले पर खड़े होते हैं, ताकि एक दूसरे से दूरी रहें, अपनी हिफाजत भी हो और दूसरों की भी। और ये एक छोटा दीकोला है जिससे, छोटी सी एक स्टेशनरी की दुकान है, यहाँ से रिसाले और अखबार वगैरह जो है वो मिल जाती थी, लेकिन ये भी काफ़ी टाइम से बंद है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का एक स्कूल जो काफ़ी टाइम पहले से बंद है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेफ्टी के लिहाज से वो ठीक नहीं था। तो बच्चों के लिए फिर नया एक स्कूल है उसमें शिफ्ट किया गया है। आजकल तो वैसे वो भी बंद है, लेकिन यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इस लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों को जो है वो एजुकेशन ऑनलाइन दी जाती है, और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्योंकि यही बच्चे कल इसी मुल्क के लिए बेहतर इंसान और बेहतर माशरे को बनाने में अच्छा किरदार अदा कर सकेंगे। तो अब मैं चलती हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है फ्रूट सब्जी की, वहाँ पे यहाँ से मैं कुछ फ्रूट लूँगी। ये एक बांग्लादेश के भाई हैं, उनकी ये दुकान है, और दुकान तो सामान से तो भरी हुई है लेकिन गाहक नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं निकलते हैं। यहाँ पे वैसे अक्सर ये जो मार्केटें हैं बड़ी या ये सब्जी वगैरह की, ये तो खुली हुई हैं, लेकिन फैक्ट्रियाँ और दूसरी जगह जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और अपने अल्लाह से दुआ करें कि इस मुश्किल घड़ी में इस दुनिया को निकाले और हम सब मुसलमानों को, सब इंसानों को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, हम पे अपना करम करे, अपना फजल करे, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब मुसलमानों पे अपना करम करे। अल्लाह हाफिज़।